हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन से बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो मुझे क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लोग पूछते हैं कि कौन से बेस्ट साइट है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेस्ट साइट वही है जहां पर आप सक्सेस हो जाए, यानी जहां पर आपको सफलता मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज दैट जैसे मैंने रिकमेंड किए हैं तीन अभी आप लोगों को किया, जैसे कि अपवर्क, पीपल पर आवर और फाइवर। तो अपवर्क क्या है कि एक ये दो प्लेटफॉर्म का, इलेंस और ओडेक्स का, एक बहुत बड़े दो प्लेटफॉर्म को मर्ज कर दिया गया और मिलकर एक ये एक लेजिट साइट, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया इंटरनेशनल लेवल का, या आप टॉप बोल सकते हैं। दूसरा है फाइवर है। तो फाइवर की जो कंडीशन है वो अलग है क्योंकि वहां पर प्रपोजल आप सेंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहां पर आप गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। पीपल पर आवर में क्या किया, इस दोनों का समेशन कर दिया। लाइक वहां पर आप अपने आवरली यानी गिग्स बोल सकते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं और प्रपोजल अलग भेज सकते हैं, तो डबल चांस वहां पर होता है। तो सपोज दैट कोई अपवर्क पे काम करता है और आप ये बात जान लीजिए कि अपवर्क पे मोस्टली सारे काम आते हैं और वहां से लोग क्या करते हैं कि लोग काम ले करके और जो अदर फ्रीलांसिंग साइट्स हैं वहां पर जाकर लोग उसे पोस्ट करते हैं और आप उसको सिंपल सेंस में बोल सकते हैं कि उसे आउटसोर्स करना। तो लोग काफी ज्यादा आउटसोर्स करते हैं कि जब बल्क में वर्क आने लगता है, और होपफुली मुझे मोर देन 100 लोगों ने तो ये अभी तक कंफर्मेशन दे दिया है कि मुझे जॉब मिल गई है और बहुत खुशी भी होती है। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कारण ये है कि जैसे अपवर्क है तो वहां पर लोग हर जॉब पे अप्लाई करते हैं, जो टेक्निकली ये चीज गलत है। हर जॉब पे अप्लाई करना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी मना किया है। इससे कॉजेस के बारे में बताएं कि क्या हो सकते हैं आने वाले आपके टाइम में, आपके अकाउंट को भी सस्पेंड किया जा सकता है अगर आपकी जॉब गेटिंग रेट जो है वो कम अगर हो जाएगी तो फिर आपको वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो काइंडली इस चीज का ध्यान रखें। अभी जैसे मैंने अपर बोला तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट। उसके बाद आप बोल सकते हैं पीपल पर आवर, उसके बाद फाइवर है। तो कुछ लोग जो है कि वो फाइवर पे सक्सेस कर रहे हैं लेकिन अपवर्क पे उनको जॉब नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हैं पीपल पर आवर पे कर रहे हैं, फाइवर पे नहीं मिल रहा है, अपवर्क पे नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हैं कि अपवर्क पे सक्सेस कर रहे हैं और फाइवर पे नहीं मिल रहा है और पीपल पर आवर पे नहीं मिल रहा है। तो ये है कि ये तो डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा टाइम फेवर भी करना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि जैसे आप कैसे प्रपोजल भेजने हैं। क्लाइंट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट ने जो जॉब किए हैं तो क्या उनको रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस अपने अपवर्क पे बना रखे हैं या फ्रीलांसिंग पे बना रखे हैं, तो काइंडली आप लोग जा करके उसको वॉच करें, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग जनरली पूछते हैं कि क्या मैं एंड्रॉयड से या मोबाइल से वर्क कर सकता हूँ। तो मैं कितने को लिख के ये चीज बताऊं, तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। और इस पे जल्द एक मेरा वीडियो आएगा जो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल का काम करेगा कि एक बंदे ने मोबाइल से ही वर्क स्टार्ट किया और काफी अभी हद तक वो इस पे सक्सेस कर चुका है। अपवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो जल्दी मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। और जहां तक बात है कि लोग पूछते हैं कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो क्या मैं वर्क कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर इंग्लिश वीक है तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि आप टेक्स्ट कर सके, दूसरे को ये बता सके, यानी कि सिंपल है क्लाइंट को आप बता सके कि भाई आप ये वर्क करते हो, या फिर उनको जो क्वेश्चंस हैं कम से कम जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप उनको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर्स कर सके। तो इतना कम से कम आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात, जो जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सबसे पहले बात है कि आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा कि आप में कमी कहाँ है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे जॉब प्रपोजल्स भी डाले, पूरे प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया, फिर भी जॉब नहीं मिलते हैं, तो आप उस
कंडीशन में ये करें कि जैसे सिंपल लोग क्या करते हैं, सभी डेटा एंट्री टाइपिंग वगैरह सब पे जो है कि जाकर के जॉब पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे भीड़ काफी होगी। तो आप ऐसा करें कि आप उस तरह की जॉब पे अप्लाई करें जहाँ पर थोड़ा टेक्निकल हो और लोग वहाँ पे कम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे जॉब लेने के। तो ठीक, वो तो मैंने पहले बोला है कि आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क कर सकते हैं और आपका फील्ड क्या है। जहाँ तक कि जेन्युइन की बात है, तो मैंने ऑलरेडी इस पे टोटल चीज़ बता दिया है। आप चाहे आप बोल सकते हैं कि आवरली के बारे में बताया हो, चाहे फिक्स प्राइस के बारे में बताया हो, चाहे वो कनेक्ट्स के बारे में बताया हो, या फिर कैसे ट्रांजेक्ट करना है आपको अपने पैसे को अपर्क से लेकर के अपने बैंक अकाउंट में। मैंने एक एक चीज़ पे डिटेल वीडियो बनाया है, तो काइंडली करके आप उसे वॉच करें, जो मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कुछ यही सब बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आप चाहते हैं कि आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आंसर करूंगा, और जल्दी मैं नया वीडियो लाऊंगा। तब तक वेट करें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।